सरकार उनका, प्रशासन उनका, जेल प्रशासन उनका, पुलिस उनके, हेलमेट हेलमेट पहन के 30-40 की संख्या में लोग घुस करके जो है उनको तंग करते हैं रेड का बहाने, इसलिए डराने धमकाने का काम लगातार नीतीश जी और उनके मंत्री और उनके सरकारी कुछ चंद अधिकारी जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो भी मोबाइल जेल में पकड़ा गया, अधिकांश सारे मोबाइल जो है मेरे पिताजी के नाम पे इन लोगों ने गलत चलत करके उन्हीं के नाम पे जो है ये करवा दिया। तो लगातार जो है हम लोग संपर्क में हैं और इसी हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग पूरी तरीके से निश्चिंत हैं, हमारी जीत तय। अब आप देखिए क्या क्या हटकंडे नहीं अपना गया। अभी चेतन हमारे साथ है, इनके पिता को लेकर के नीतीश जी ने क्या कहा था ये मिलर हाई स्कूल में कि हमारे साथी रहे, हमारे मित्र हैं, जितना चिंता आपको है उससे ज़्यादा चिंता हमको है और इनके लिए हर एक संभव प्रयास वो कर रहे हैं। ये नीतीश जी की बोली है। अब सरकार उनका, प्रशासन उनका, जेल प्रशासन उनका, पुलिस उनके, हेलमेट हेलमेट पहन के 30-40 की संख्या में लोग घुस करके जो है उनको तंग करते हैं रेड का बहाने, फ्रॉड एक रेड मारा जाता है। क्योंकि लगातार, क्योंकि हमारे पार्टी के विधायक शिवहर से जीते हैं, लवली आनंद जी भी हमारी पार्टी की नेत्री हैं, वो भी लगातार चुनाव प्रचार में हैं, उनको डर था कि इन लोगों के जाने से चुनाव में मतदाता जो हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रति आकर्षण जिनका हो रहा है, कहीं उनके लिए मुसीबत ना बन जाए, इसलिए डराने धमकाने का काम लगातार नीतीश जी और उनके मंत्री और उनके सरकारी कुछ चंद अधिकारी जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये लेसी सिंह जो हैं मीटिंग कर रही हैं डीलरों का, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हम लोगों ने जारी किया है भाई। अधिकारी फ़ोन करके बोल रहा क्यों जा रहे हो क्या है, जहां डीलर कह रहे हैं कि भाई आप इलेक्शन कमीशन से नोटिफिकेशन निकलवा दीजिए कि हम किसी चुनाव के प्रचार में नहीं जा सकते। पहन करके पुलिस वालों को घुसाया गया उसमें, और जेल का एक नियम होता है कि जब भी कोई पुलिस वाला अंदर जाता है चेकिंग करने के लिए तो जेल की जो स्टाफ होती है, चाहे जेलर हो, सुपरिटेंडेंट हो या कोई भी हो, उनका काम होता है साथ जाना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल जो है नियम और कानून की धज्जियाँ उड़ा दी गई। और उसके बाद जहाँ पर मेरे पिताजी थे भी नहीं, उस जगह से जो है मोबाइल अभी ये लोग लेके आए कि वहाँ पर पहले से था, इसका टिप्पणी हम नहीं करेंगे। लेकिन जो भी मोबाइल जेल में पकड़ा गया, अधिकांश सारे मोबाइल जो है मेरे पिताजी के नाम पे इन लोगों ने गलत चलत करके उन्हीं के नाम पे जो है ये करवा दिया। तो ये सब जो चाल ये लोग चलते हैं, और ख़ास तौर पे आप लोग को याद होगा हम लोग तो बच्चे थे, हाँ नीतीश जी धरना पे बैठे थे कि आनंद मोहन जी निर्दोष हैं, हाँ 94 की बात कर रहे हैं, यही नीतीश जी थे ना, हाँ। और इन्होंने क्या किया, हाँ ये सरकार जैसे ही मतलब आई तो सबसे पहले आनंद मोहन जी को जेल करवाया, उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस के साथ क्या हुआ, उसके बाद आप देखिए जितने भी मतलब सही बात बोला जाता कि अपना कोई ऐसा सगा नहीं है इनका जिनको इन्होंने ठगा नहीं है। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि इनका पॉलिसी है कि साथ लो और साफ करो। सबसे पहले 2005 से लेकर के आज तक जो भी ट्रेंड चलता रहा, उसके बाद हमारे जो गार्जियन हैं लालू जी, उनके साथ क्या किया गया, उनके साथ भी यही हुआ कि पहले इन्होंने साथ लिया, सरकार बनाई, उसके बाद जो है उन्हें जेल करवा दिया। तो ये तो इनका ट्रेंड रहा है कि जो इनको साथ देता है वो जेल जेल लिखा हुआ है कहीं ना कहीं। चेतन जी क्या लगता है, आप आरजेडी के साथ हैं इसलिए आपके परिवार को टॉर्चर किया जा रहा है सरकार की तरफ से? देखिए इसका ऑफिशियल बयान भी हम लोगों ने मतलब मेरे पिताजी ने एक खत भी लिखा था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया कि हम लोग अपने पार्टी का काम नहीं करें, हम लोग लोगों के बीच में घूमने नहीं जाएं। और जब उस प्रेशर में होने के बावजूद हम लोग गए उधर घूमने के लिए, तो ये एक तरीके से इन लोगों ने बदला लेने का जो है ठान लिया। और ये बदले की जो भाव की ये लोग पॉलिटिक्स करते हैं, हम लोग तो बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, 9th में हम थे, हाँ उस समय
से लेकर के आज तक मेरे पिताजी को निर्दोष होते हुए भी इस सरकार ने जो है किस तरीके से जेल में रखा, खुद बोलते हैं निर्दोष है और खुद जो है स्पीडी ट्रायल चला करके, आपको याद होगा मैं बयान याद दिला देता हूँ, 2005 में इनका बयान निकला था कि आनंद मोहन जी के ऊपर स्पीडी ट्रायल चला करके फांसी की सजा दी जाएगी और उसके कुछ दिनों बाद ठीक वैसा ही हुआ। और इन ये बयान किसी और ने नहीं, उस समय के लॉ मिनिस्टर ने दिया था। तो ये ऐसी ऐसी पॉलिटिक्स ये लोग करते हैं, तो इस सब से हम लोग डरने नहीं वाले हैं, घबराने नहीं वाले हैं। और तेजस्वी भैया का साथ मिला है, जनता जवाब देगी, जनता जवाब देगी। हम तो यही बोलेंगे कि हमें हमारे बड़े भाई जो हैं जिस तरीके से साथ दे रहे हैं उस इस लड़ाई में हमें जल्द ही जीत मिलेगी। जैसे कि सब कह रहे हैं कि 8-10 लोग रात को हेलमेट पहन के घूम जाते हैं, 20-30 लोग, तो आपको आशंका है कि कुछ भी कराया जा सकता है जेल के भीतर? बिल्कुल, ये तो सेफ्टी के ऊपर सबसे बड़ा सवाल है। अनशन पे अभी बैठे हुए हैं, उनका बीपी हाई हो गया, उसके बावजूद उनको सेल में रखा गया, अभी भी सेल में है। मतलब जब मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो ये एक कैदी का राइट होता है कि वो सेल में नहीं रहेगा, उसके बावजूद इस सरकार ने उन्हें सेल में बंद करके रखा।